एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में गीता अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। गीता को खाने का बहुत शौक था। वह अलग अलग तरह का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। गोल गप्पे, समोसे, रसगुल्ले, यह सब देखकर उसके मुंह में पानी आता था। लेकिन गरीबी के कारण बेचारी को यह सब कुछ खाने को नहीं मिलता था। लेकिन जब भी मौका मिलता था, वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन गीता को देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले थे। ये मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? मेरे सामने गुलाब जामुन, रसमलाई, छोले भटूरे, नान, चिकन, ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे बुद्धू, तू सपना नहीं देख रही, भूल गई क्या? आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सब कुछ मंगवाया है। गीता, बहुत दिनों से मैं पैसे जोड़ रही थी ताकि मेहमान आए तो मैं उन्हें अच्छा खाना खिला सकूं। और जरा तुम अपनी जबान पर कंट्रोल रखना, इसमें से कुछ भी मत खा लेना, ये सब कुछ मेहमानों के लिए है। माँ, आपने क्या मुझे भूखा समझा है? और मेहमानों का खाना मैं क्यों खाऊंगी? मैं तो उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। बस अपने घर में इतना ज्यादा स्वादिष्ट और इतना सारा खाना देखकर थोड़ी सी चौंक गई। अच्छा, अब मैं तैयार हो जाती हूँ, आप जाइए, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। गीता की माँ वहाँ से चली जाती है और गीता भी तैयार होने चली जाती है। लेकिन वह तैयार होते हुए भी उसे अपने घर में रखे हुए खाने की खुशबू आ रही थी और उससे रहा नहीं गया। और वह चुपके से किचन के अंदर जाती है और वह स्वादिष्ट खाना खाने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने वह सारा खाना खत्म कर दिया। अरे गीता, सत्यानाश हो तेरा, यह तूने क्या कर दिया? तूने सारा खाना खा लिया और ये भी नहीं सोचा कि अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे, मेहमान आने ही वाले हैं। तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि खाना मत खाना, लेकिन मेरी ही गलती है, मुझे खाने को छुपा के रखना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि खाने को देखकर तुझसे तो रहा ही नहीं जाता। गीता, मेरी बात एक ध्यान से सुन, शादी के बाद अपने पति के घर ये सब हरकतें मत करना, भुक्कड़ों की तरह मत खाना, वरना तेरा घर बसने से ही पहले उजड़ जाएगा, समझ रही है? माँ, मैं क्या करूँ, इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना देखकर मुझसे रहा ही नहीं जाता और गरीबी के कारण मुझे ये सब कुछ मिलता भी तो नहीं है। अगर हम अमीर होते तो मैं रोजाना पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, रसगुल्ले, समोसे, चाट पापड़ी, ये सब खाया करती। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। और हाँ, फिर उसके बाद भैंस की तरह मोटी हो जाती। गीता, मैं जो तुझे समझा रही हूँ उसे अच्छी तरह से समझ लेना। अपने पति के घर जाकर अपने पति को खाने की वजह से परेशान मत करना, वरना एक दिन तेरा पति तुझसे परेशान आ जाएगा। वो कहाँ तक तुझे खिलाता रहेगा, समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल करना सीख। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। और आपने क्या मुझे भुक्कड़ समझा है? थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको मुझे समझाना पड़े। अब जाइए आप। गीता की माँ गीता से बहुत परेशान थी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने ससुराल जाकर भी इसी तरह से खाया तो उसका घर नहीं बस पाएगा, इसलिए वह उसे समझाती रहती थी। गीता की माँ अपने पति से खाने का और सामान मंगवाती हैं और कुछ समय बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के की मौसी और सुमित को गीता पसंद आ जाती है। तभी सुमित की मौसी गीता की माँ से कहती हैं, देखो बहन जी, मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देती हूँ, सुमित के पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा घर है और एक नौकरी करता है 20-25 हज़ार की। इसके माता पिता भी नहीं है, मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब सोचा कि इसका घर बसा देती हूँ। हमें गीता पसंद है, क्या आपको भी सुमित पसंद है? देखिए, मुझे आपकी सच्चाई पसंद आई कि आपने पहले ही हमें साफ साफ बता दिया। अब हम भी आपको बता देते हैं कि हम भी अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ दो जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर सकते हैं। आप तो हमारे घर के हालात देख ही रही हैं। जी जी, मैं सब जानती हूँ, बस आप अपनी बेटी को दो जोड़ी कपड़ों में विदा कर देना और हमें कुछ नहीं चाहिए।
गीता के माता पिता कब से ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो भी रिश्ता आ रहा था वह बड़ी गाड़ी, कैश और बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, जिस वजह से अब तक गीता की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक गरीब परिवार में गीता की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिन बाद गीता की शादी सुमित से हो जाती है। गीता की माँ ने गीता को अच्छी तरह से समझाकर उसे उसके ससुराल भेजा था। कुछ दिन तो गीता अपनी जबान पर कंट्रोल करती है, लेकिन एक दिन जब सुमित गीता से कहता है, देखो गीता, तुम जानती ही हो मैं गरीब हूँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गया। आज हमारी शादी को 15 दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा है कि आज शाम को मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूं। क्या सच में आप मुझे रेस्टोरेंट पर लेकर जाएंगे और मुझे मेरा फेवरेट खाना भी खिलाएंगे? अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैं अपना सारा फेवरेट खाना खाऊंगी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। गीता बहुत ही ज्यादा खुश थी कि वह रेस्टोरेंट पर जाकर अपना फेवरेट खाना खाएगी, और सुमित भी खुशी खुशी गीता को एक अच्छे रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। वहां जाकर गीता अपना फेवरेट सारा खाना ऑर्डर कर देती है। तभी सुमित गीता से कहता है, गीता, यहां पर सिर्फ हम दोनों आए हैं, हमारे साथ पूरा गाँव नहीं। तो मैंने गांव वालों के लिए कुछ ऑर्डर किया भी नहीं है, अपने लिए ही किया है, और अभी तो मैंने ज्यादा कुछ ऑर्डर किया भी नहीं है। हाँ तो भैया लिखिए, बटर चिकन के साथ साथ मुझे बहुत सारी प्याज भी चाहिए, और जो अब से पहले मैंने सब लिखवाया है वह सब कुछ अच्छी तरह से लेकर आ जाइए, मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है, जल्दी लेकर आइए। सुमित समझ ही नहीं पाता कि गीता इतना सारा ऑर्डर क्यों करवा रही है, लेकिन जब टेबल पर सारा खाना लग जाता है तो गीता ना दाएं देखती है और ना ही बाएं और ना ही सुमित की तरफ, बस खाने पर टूट पड़ती है और वह ऐसे खा रही थी जैसे उसने सालों से कुछ भी ना खाया हो, और वह सारा खाना चुटकियों में चट कर जाती है। यह देखकर सुमित घबरा जाता है। यार अभी तो मुझे और भूख लगी है, मैं सोच रही थी कि गोलगप्पे और पापड़ी और मिल जाती तो मजा ही आ जाता, अभी मुझे गोलगप्पे और खा लेने चाहिए। गीता, क्या मेरे पूरे महीने की सैलरी तुम यहीं पर उड़ा दोगी? तुम्हें पता है 15,000 का बिल हो चुका है और अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया, तुम इतना सारा खाती हो। अच्छा तो आप अपनी पत्नी को खाता हुआ देखकर खुश नहीं हो रहे? सब पति तो अपनी पत्नी को खाता हुआ देखकर खुश होते हैं। आप मुझे रेस्टोरेंट पर ताना देने के लिए लेकर आए थे कि मैं इतना सारा खाना खाती हूँ, अगर आपको इतनी ही ज्यादा दिक्कत थी तो मुझे लेकर ही क्यों आए थे? अब आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, अभी तो मैंने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है और आप अभी से मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हैं, आप मुझे लेकर ही क्यों आए थे? इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रह लेती। गीता ऐसा कहकर रोने लगती है। तभी सुमित गीता से कहता है, अब रोना तो बंद करो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सुमित गीता को बहुत मुश्किलों से चुप करवा पाता है। सुमित गीता को रेस्टोरेंट पर इसलिए लेकर आया था ताकि वह खुश हो जाए, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि वह खुश नहीं बल्कि नाराज होकर घर आएगी। 15,000 रुपए एक दिन में खर्च भी हो जाते हैं और गीता नाराज भी हो जाती है। सुमित गीता को मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी एक दिन वह उससे कहता है, माफ कर दो, अब कब तक नाराज रहोगी? इस बात को 4 दिन हो गए हैं। ठीक है, एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जब आप मुझे रोजाना गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी, समोसे, गुलाब जामुन खिलाएंगे और नाश्ते में बिरयानी, तभी मैं आपको माफ करूंगी, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगी और मायके भी चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझे माफ कर दो और मायके जाने की बात मत करना। यार इससे तो मैं अच्छा शादी नहीं करता। क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या मेरी बुराई कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बुराई नहीं, अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। सुमित की मौसी ने सुमित से वादा लिया था कि वह कभी भी गीता को परेशान नहीं रखेगा, उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, और सुमित अपनी मौसी से वादा भी कर लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह वादा उसके गले की फांस बनने
वाला है। बेचारा सुमित रात दिन पैसे कमाता और उसकी भुक्कड़ पत्नी उसके सारे पैसे खाने पर उड़ा रही थी। सुबह में 4 प्लेट बिरयानी, दोपहर में चिकन, शाम में अलग अलग तरह का खाना और थोड़ी थोड़ी देर में चाट पापड़ी, समोसे, गुलाब जामुन, यह सब खा रही थी। और धीरे धीरे गीता मोटी होती जा रही थी और सुमित की सारी कमाई सिर्फ और सिर्फ गीता खाने पर ही उड़ा रही थी। अगर उसे किसी चीज की और जरूरत पड़ती तो बेचारे सुमित को पैसे उधार लेने पड़ते थे और वह गरीब होता चला गया। तभी एक दिन गीता सुमित से कहती है, अजय सुनते हो, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। मेरे सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं, मुझे कोई भी कपड़ा ठीक तरह से आ ही नहीं रहा, मुझे कपड़े बनाने हैं, मुझे पैसे दे दीजिए। और हाँ, शाम को आते हुए ना लालू जी के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, ठीक है? गीता, जब से तुम आई हो तब से मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, सभी दोस्तों से उधार ले चुका हूँ और तुम इससे और पैसे मांग रही हो, कहाँ से ला कर दूँ पैसे? खा खा कर कितनी मोटी हो गई हो और कह रही हो कपड़े टाइट हो गए। क्या कहा, मैं मोटी हो गई हूँ? आप मेरे खाने के ऊपर नजर रखते हो, मुझे मोटी कह रहे हो? ठीक है, जब मैं आपके ऊपर इतनी ज्यादा भारी हो ही चुकी हूँ, आपके ऊपर बोझ बन ही चुकी हूँ, आप मेरा खर्चा उठा नहीं सकते, मुझे खाना खिला नहीं सकते, 2 जोड़ी कपड़े बना नहीं सकते, तो मुझे अपनी पत्नी ही क्यों कहते हो? अपनी पत्नी का खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो आपने शादी ही क्यों की? आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं बना सकता, मुझे खाना भी नहीं खिला सकता। अगर मैं खाने को कहूंगी तो वो मुझे 4 बातें सुनाएगा, मोटी कहेगा, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, मैं वहीं पर खुश थी। गलती हो गई मुझसे जो तुम जैसे बुक्कड़ से शादी कर ली, तुमने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। तुम अपने मायके ही चली जाओ तो अच्छा है, कम से कम मुझे मेरा घर तो नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मुझे पता है मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए अब आप मुझे पसंद नहीं करते और आप मुझे इसलिए ताने दे रहे हो। ठीक है, अब मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आप मुझे बनाएंगे तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूँ। मेरे खाने को टोकते रहते हैं, थोड़ा सा खाना क्या खा लेती हूँ, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझसे शादी नहीं करते। ऐसा कहकर गीता रोने लगती है और जैसे ही वह अपने घर जाने के लिए घर से बाहर कदम निकालती है, वैसे ही अचानक उसके सीने में दर्द उठने लगता है और वह दर्द इतना ज्यादा उठता है कि वह बेहोश हो जाती है। सुमित तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर गीता का चेकअप करती है, कुछ समय बाद उसे होश भी आ जाता है। तभी गीता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरे सीने में इतना ज्यादा दर्द क्यों उठा? ऐसा दर्द तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे बताइए ना। आपको दिल का दौरा पड़ा था। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी उम्र में क्या किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है? दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं पड़ता। तुम्हें दिल का दौरा इसलिए पड़ा है क्योंकि तुम कोई काम वाम नहीं करती और अनाप शनाप खाती रहती हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें दिल का दौरा दोबारा ना पड़े तो तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, अपना मोटापा कम करना होगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा और तली भुनी बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी होंगी, सादा साधारण खाना खाना होगा। अगर ये सब कर सकती हो तो शायद तुम्हें दिल का दोबारा दौरा ना पड़े। डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। सुमित, मुझे माफ कर दो, यह ज्यादा खाना भी कितना ज्यादा नुकसान देता है, इंसान की सेहत को भी खराब करता है और जेब को भी। मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया, तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा करवाया और अपनी सेहत भी खराब कर ली। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ज्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, ज्यादा खाना खाना सेहत को नुकसान पहुँचाता है और मैंने भी आपको कितना ज्यादा परेशान किया, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। गीता, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें एहसास हो गया कि ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसान देता है और अब मैं बहुत खुश हूँ,
सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि गीता को एहसास हो गया कि वह ये सब कुछ जो खा रही है वह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और अब गीता घर के सारे काम करती, बर्तन झाड़ू पोंछा सब कुछ, और घर पर ही खाना बनाती। धीरे धीरे काम करने से और घर का खाना खाने की वजह से उसका मोटापा कम हो जाता है और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और सुमित भी बहुत खुश रहता है। अपने घर का यह खुश माहौल देखकर गीता को बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब वह ज्यादा खाती थी तो रोजाना लड़ाइयाँ, चिक चिक और रोजाना रोना धोना होता था। और जब से उसने घर को घर समझा है तब से यह घर स्वर्ग बन चुका था और दोनों पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं।